नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये रिक्रूटमेंट है। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा में रहेगी, लेकिन अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो है वो बाहर की स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए रिक्रूटमेंट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सारी चीज़ें वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट बताई गई है जहाँ पे जो है वो रिक्रूटमेंट ये वाली है। यहाँ पे दोस्तों तीन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सिस्टम एनालिस्ट, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बीई बीटेक के साथ। लेकिन हम लोग पहले बात करते हैं जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, साथ में PGDCA करी हुई है, PDCA करी हुई है, या कंप्यूटर से संबंधित कुछ करा हुआ इनमें से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं करा हुआ, BCA करी हुई है, BSc करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, IT में, MCA करी हुई है, MSc IT करी हुई है, या इसके अलावा जो है वो बीटेक या इससे संबंधित कुछ करा हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। इवन जो है वो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने करा हुआ है तो भी आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। सैलरी दोस्तों इस पे आपको 20,000 जो है वो 250 रुपये मिल जाएगी। अलाउंस जो है वो अलग से डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रोग्रामर की जॉब के लिए भी यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर संबंधित डिग्री जो है वो मांगी गई है, लेकिन इस पे जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यही दोस्तों लिखा गया है इनकी नोटिफिकेशन में। बाकी बात करें लास्ट डेट की, तो 27/11/2019 लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन जो है वो करना है, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर जो है वो रीड करिएगा। एप्लीकेशन फीस दोस्तों है वो 350 रुपये के आसपास रखी गई है। जब इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी शुरू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कैसे जो है आवेदन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जरूर जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। तो यही दोस्तों जो है वो लिखा गया उनकी नोटिफिकेशन में। अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अच्छी रिक्रूटमेंट है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।